नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देश के बिजली आपूर्ति सिस्टम में चीनी हैकर्स के साइबर अटैक की किसी भी तरह की आशंका के प्रति बिजली मंत्रालय अब सचेत हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि अब चीन से आने वाले सभी बिजली के सभी पावर इक्विपमेंट यानी कि उपकरण और अन्य सामान की सख्त जांच की जाएगी। बिजली मंत्री आरके सिंह ने यह भी बताया कि जांच में खासकर यह देखा जाएगा कि कहीं इनमें कोई ऐसा मालवेयर या ट्रोजन हॉर्सेस, कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, एक तरीके के वायरसेस ही होते हैं तो नहीं है, क्योंकि जिससे भारत में बिजली के ग्रिड को हैक करके और उसे फेल किया जा सके। साइबर अटैक्स का आपको बता दें कि कई दिनों से खबरों में साइबर अटैक्स हैं कि चीन की तरफ से साइबर अटैक भारत का किया जा सकता है। ऐसे में अब बिजली विभाग भी यहां पर सतर्क हो गया। ऐसे हुआ तो चीन आसानी से भारत की समूची आर्थिक गतिविधियों को ठप कर सकता है। आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए देश में चीन से आयात पर अंकुश की मांग लगातार की जा रही है, और ऐसे में ये बात महत्वपूर्ण है कि देश की बिजली आपूर्ति तंत्र में बड़ी मात्रा में चीन से आने वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सौर ऊर्जा में तो ज्यादातर सोलर पैनल्स चीन से आयात किए जाते हैं। अब इन चीजों को लेकर सरकार फिलहाल सचेत हो गई है, मगर ये बात भी जाननी हमारे और आपके लिए जरूरी है कि अगर चीन इस तरीके का कोई भी साइबर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि देश की जिम्मेदारी हम सबकी है। फिलहाल इस तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए आईबीएन भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।